अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो आज हम जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? तो आज हम जा रहे हैं अपनी जा रही हूँ अपने कज़न के घर। और मतलब मेरी फूफो का बेटा है, उनकी वो इनकी यहाँ पे शादी हुई है, तो हम उनके साथ ईद करने जा रहे हैं सेक्रीमेंटो में। और ये है जी मेरा फुल लुक, में जरूर रहती हूँ, ये दिखाते हैं। और ये यहाँ पे बैगी स्टाइल फैशन आ गया, सो इसलिए मैंने बैगी स्टाइल लिया। ये मीडियम है और ये देखें कितना खुला है। और ये है जी मेरा पर्स। डन हो गया, अब हम निकल रहे हैं घर से बस। और शेजल भी रेडी हो गई है, मैं आपको शेजल से भी मिलवाती हूँ। और ये मेरे साथ, और ये शेजल को भी मैंने ऐसे लूज से कपड़े पहनाए थे क्योंकि ट्रैवल करना है, 5 घंटे का है, तो इसलिए मैंने उसको ये लूज से पहनाया है। तो शेजल भी रेडी है, लेट्स गो। तो जी मैं आपको अपनी तैयारियाँ भी दिखा देती हूँ। तो ये है जी मेरी मैडम शेजल, और ये यहाँ पे फुल टाइम अपने कार्टून एंजॉय कर रही है। नो डोंट डू दिस। और ये जी हमारा सामान है, जो कि ऐसे आपको लगेगा जैसे कि हम पूरे मंथ के लिए जा रहे हैं, पर नहीं, हम पूरे एक वीक के लिए जा रहे हैं। तो ये उसका सेटअप है। और ये कुछ गिफ्ट्स हैं, और यहाँ पे हम अपने टैंक फुल कर रहे हैं, यहाँ पे खुद करते हैं। सो मैं आपको अपनी फुल लुक भी दिखा दूँ। वीडियो बन गई, वीडियो बनाओ। बच्चों के साथ निकलना बहुत मुश्किल है। लाइक हम लोग उठे हैं, मैं सुबह उठी हूँ 8 बजे, और अब बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11, और अब हम निकल रहे हैं घर से। और पैकिंग वगैरह हमने रात को ही कर ली थी, अभी सिर्फ हम रेडी हुए हैं और निकले हैं। मतलब बहुत टाइम लग सकता है बच्चों के साथ, तो बस मैं लाइट ही रेडी हुई हूँ, तो उधर जाके फिर मैं सही से ज़्यादा रेडी होती हूँ, क्योंकि ट्रैवल है। तो मैंने इस साल लूज से कपड़े पहनते हैं, हल्का सा रेडी होते हैं और चलते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि पीछे शेजल की एक कार सीट पड़ी हुई है, और एक इसकी ये दूसरी कार सीट है जिसको मैंने बेड बनाया हुआ है, लाइक उसको मैंने पीछे करके किया हुआ, ताकि बच्चों का कम्फर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और माशाल्लाह से शेजल ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, 6 से 7 घंटे का सफ़र था, थोड़ा बहुत तंग किया, इतना तो चलता है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा ट्रैवल हो गया। और अभी मैं वीडियो देख रही थी तो पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो वो मेरे मोबाइल कवर का शोर है, उसकी जो चेन है वो उसकी वजह से शोर हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि 6 घंटे या 7 घंटे का सफ़र था, और वो अभी 3 घंटे रह गए थे, ऑलमोस्ट 2 घंटे शेजल सो गई थी और बाकी हम इजी होकर चले गए थे। तो मैंने सोचा ये अपना थोड़ा सा ट्रैवल का व्लॉग शेयर कर लेती हूँ, और आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे अमेरिका में चांद रात कैसे मनाई जाती है। और फर्स्ट टाइम मैं भी चांद रात उनकी देखने जा रही थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग बनाया। सो या क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे थे सेक्रामेंटो में, तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे कौन सी बेकरी अच्छी है, तो हमने नेट से सर्च किया, और फिर मैंने इसका एक स्लाइस टेस्ट भी किया, बहुत यम था। तो फिर मैंने सोचा यही कर लेते हैं। फिर हमने यहाँ से ये वाला केक डन किया था, ये जिसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज लगी हुई है। उसके बाद हम लोग यहाँ से घर चले गए थे, और फिर मुझे उन्होंने जो खाना सर्व किया था वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मैं उनके घर में फर्स्ट टाइम गई थी। उसके बाद ही हम लोग इवेंट पे चले गए। तो यहाँ पे सब लड़कियों ने या आंटियों ने व्हाटएवर जो भी थी, सब ने अपना अपना स्टॉल लगाया हुआ था, और बहुत मतलब अच्छे कपड़े नहीं थे, ज़्यादातर बहुत ही फजूल थे, बट उनकी जो प्राइस थी वो बहुत हाई थी। और यहाँ से फिर मैंने भी एक शॉपिंग की, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी ये थी कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी मामा ने मुझे लूज़ कपड़े सिलवा के दिए, मैंने कहा मैंने नहीं ये पहने, इतने लूज़ हैं, दिस एंड दैट, और आज वो मुझे कपड़े टाइट हो गए हैं। सो या सो मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, सो उधर कोई टेलर भी नहीं था, तो फिर मैंने वहाँ से शॉपिंग की। फिर मैंने यहाँ से ये फलूदा खाया, फर्स्ट टाइम इस तरह का खाया था, बहुत यम था। सो मैंने सोचा मैं आप लोगों को टूर दे देती हूँ कि ये एक होटल था, उसमें बाहर अंग्रेज़ बैठे हुए थे और अंदर मुसलमान बैठे हुए थे, लाइक ये बाहर अपनी पार्टी शाडी कर रहे थे, अपनी वाइन शाइन पी रहे थे, और अंदर चांदा हो रही थी। मैंने सोचा पूरा टूर दे देती हूँ आपको कि कैसा होटल है और क्या है क्या नहीं। सो या
सो या अंदर हर एक स्टॉल था, लाइक बिरयानी का, फलूदे का, जिसका जो दिल करा था उसने वो स्टॉल लगाया था। और वहाँ पे अंदर अंग्रेज भी आए थे, सब आए थे, मिक्स आए थे, खाना पीना चल रहा था, किसी को सब अपना अपना इंजॉय कर रहे थे। बट या मैंने एक जो ड्रेस लिया ईद के लिए वो मुझे 190 का पड़ा एंड इट्स सो एक्सपेंसिव। पाकिस्तान के हिसाब से ये तकरीबन 50,000 बन जाता है ऑलमोस्ट। सो या बट जब मजबूरी होती है फिर बंदा ले लेता है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। बट अब नेक्स्ट टाइम मैंने ये सोचा जब पाकिस्तान जाऊंगी तो ज़्यादा सारे ड्रेसेस लेके आऊंगी कि इमरजेंसी में अगर कोई काम आ जाए तो। ये था मेरा चांद रात का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।